इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का चुनाव रथ आज कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला डॉक्टर सुशील गुप्ता के चुनाव के सारथी बनकर उनके साथ चल रहे हैं। कैथल के अनाज मंडी में प्रचार प्रसार करते हुए अनाज मंडी के आड़तियों से मिला गया और डोर टू डोर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं सुरजेवाला ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है भाजपा गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। वहीं मंडी के आड़तियों को भी परेशान कर उन पर कहर ढा रही है, लेकिन अब की बार इन सभी समस्याओं का हल है देश के अंदर सरकार बदलने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें। वहीं प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने भी भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा है कि किसान परेशान है और सरकार पोर्टल खेल रही है। वहीं गुप्ता ने कहा कि मंडी से उनको पूरा समर्थन मिल रहा है और मंडी के तमाम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और मंडी से इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है, ऐसा उन्होंने फिलहाल दावा किया है और मंडी का पूर्ण समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ है। और क्या कुछ खास कहा आइए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी और गरीब विरोधी, और मंडी की आदत को कम कर देना इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। मंडी में नमी के नाम पर, मंडी में घटती के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली आड़तियों से करना इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। मंडी के आड़तियों के लाइसेंस कैंसिल करना, मंडी के आड़तियों के लाइसेंस रिन्यू ना करना, मंडी के आड़तियों को पुराने लाइसेंसों के आधार पर नई जो मंडियां कहीं कहीं बनी हैं उनमें दुकानें अलॉट ना करना, ये सब मंडी के व्यापारी, किसान और गरीब विरोधी कदम है। जिस प्रकार से मंडी में तोलने वालों पर, मंडी के मजदूरों पर जो आतंक ढाया जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब जो अनुसूचित जाति के SC BC समाज के हमारे भाई बहन जो मंडी में व्यापारी और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है मजदूरी में, और मजदूरी के नाम पर अब किसान को या साधारण व्यापारी को अब ट्रैक्टर ट्रॉली जो हम हमेशा अलाउ करते थे अब उनके ढुलाई के लिए उसके इस्तेमाल की परमिशन भी छीन ली गई है। ये भी एक और व्यापार, किसान और गरीब विरोधी कदम है। इन सब के खिलाफ आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर रोष है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं है बल्कि वो भाग रही है, और वो अब ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ नई अनर्गल जो होते हैं वो शगुफा लेकर आएंगे। हमारा मंडी के व्यापारियों से, हमारा मंडी के मजदूरों से, मंडी के मुनीम भाइयों से, मंडी के तोलने वालों से, मंडी में आने वाले किसानों से और शहर के इलाके के लोगों से एक ही दरखास्त है कि इन सब बातों का हल है वो है कि देश के अंदर सरकार बदले और एक नई सरकार बने जो सरकार इन सारी समस्याओं का हल निकाल सके। इसलिए दरखास्त ये है कि सुशील गुप्ता जी के हक में एक एक व्यक्ति मतदान करे। बहुत बहुत शुक्रिया। समर्थन मिल रहा है मंडी कैथल मंडी के अंदर, हर व्यक्ति फूल माला लेके, हर व्यक्ति मिठाई लेके दुकानदार घर से दुकान से बाहर आ रहा है और पूरा आशीर्वाद दे रहा है। आंखें उनकी बता रही है कि वो भरपूर समर्थन इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। सरकार फसलों के रेट के बारे में तो कह देती है, लेकिन जब फसल मंडी में पहुंचती है तो नाना गाली कर देती है। ये किसान विरोधी सरकार है, आड़ती विरोधी सरकार है, पलेदार विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, तोलने वाले विरोधी सरकार है। इन्होंने दुकानदार की आदत घटाई जिससे ना मुनीमों को तनख्वाह पूरी मिल पा रही है, ना मजदूर को मजदूरी पूरी मिल पा रही है। किसान परेशान है, किसान फसल लेके आते हैं पोटर पोटर खेलते रहते हैं, किसान कहता है हम लाइन में लगे हैं फसल काटे, आज नमी के नाम पे परेशान किया जा रहा है, बाकी नामों पर परेशान किया जा रहा है, हर जगह परेशानी का सबब है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। आप डांड मंडी में गए थे, वहाँ बारदाने की कमी, बारदाना नहीं दिया जा रहा। बारदाना इसलिए नहीं दिया जा रहा कि वो अडानी के सियाल को भरना चाहते हैं, वो मंडी बंद करना चाहते हैं, और किसान और आड़ती चाहता है कि पुराना जो सिस्टम है ताकि MSP मिले, ये सिस्टम चलता रहे, वो MSP को खत्म कर